हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता बिश्नोई और आज के लेक्चर में हम एक्सेप्टेंस कोन और एक्सेप्टेंस एंगल पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस कोन एंड न्यूमेरिकल अपर्चर एंड ड्राइव द रिलेशन बिटवीन देम। तो आज के लेक्चर में सिर्फ एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन रहेगा, फिर जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम न्यूमेरिकल अपर्चर डिस्कस करेंगे। तो पहले एक्सेप्टेंस एंगल समझते हैं। देखिए क्या है, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर हमने बना रखा है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है और हमें पता है N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। ये जहाँ पे आई मैक्सिमम लिखा है ये हमारा लॉन्चिंग जोन है, जहां से हम लाइट को इनपुट करा रहे हैं इस ऑप्टिकल फाइबर में। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है आई, जैसे जैसे ये चेंज होगा वैसे वैसे यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है आर चेंज होगा, और जब ये आर चेंज होगा तो ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इसमें ये थीटा है सी लिखा है फिलहाल। अगर ये थीटा सी होगा तो लाइट क्या है यहाँ पे 90 एंगल बनाएगी, तो लाइट जो है क्लैडिंग के और कोर क्लैडिंग इंटरफेस से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी, जो हम कल बात भी कर रहे थे, शायद आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा भी था इससे रिलेटेड, मनमोहन ने, है ना? तो कि ये बाहर यहाँ से इमर्ज आउट हो जाएगी अगर ये थीटा सी के बराबर है। जैसे जैसे हम ये इंसिडेंट एंगल चेंज करते हैं वैसे वैसे ये थीटा चेंज होता है। अगर ये वैल्यू थीटा सी से कम है तो लाइट ऐसे क्लैडिंग से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे ये थीटा जो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, अगर ये थीटा सी से कम है तो लाइट इस तरीके से बाहर निकल जाएगी। थीटा सी के बराबर है तो ये ऐसे इंटरफेस पे मूव कर रही है, और अगर थीटा सी से ज्यादा है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा सी से ज्यादा हो गया, तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे TIR होगा और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट होते हुए ऐसे इसमें क्या करेगी, पूरे फाइबर में मूव कर जाएगी। तो आई की वैल्यू चेंज करने पे हमारा ये थीटा चेंज हो रहा है, तो आई की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पे थीटा इक्वल टू थीटा सी होता है उसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। अब अगर हमने आई को इससे थोड़ा सा और बढ़ाया तो यहाँ पर थीटा जो है थीटा से बिलो हो जाएगा, थीटा सी से आई की वैल्यू अगर अब इससे हमने थोड़ी सी और इंक्रीज की तो यहाँ पर थीटा थीटा सी से कम हो जाएगा और लाइट जो है क्लैडिंग से बाहर निकल जाएगी, तो उसको हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। कि अगर हमने ये वैल्यू रखी तो ये थीटा सी के बराबर हो गया, इससे कम रखा तो थीटा जो है थीटा सी से बड़ा होगा, तो लाइट कोर के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड करते हुए मूव करेगी। तो हमें ये एक्सेप्टेंस एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने इसके लिए क्या किया, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल फाइबर वायर विच कंसिस्ट इनर कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 एंड आउटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2। एन नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लॉन्चिंग जोन का। नॉर्मली वैसे तो हम एयर लेते हैं बट कुछ भी हो सकता है, ये लॉन्चिंग जोन एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, या डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे अटैच कर दिया कि लॉन्चिंग जोन वही मीडियम है जिससे हमने लाइट प्रोड्यूस की है। एन नॉट बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फ्रॉम विच लाइट रे एंटर इन द फाइबर, दिस एंड इज नोन एज लॉन्चिंग एंड। द एक्सटर्नल एंगल आई, ठीक है, इसको आई ए भी कुछ बुक में आई ए से डिनोट करते हैं, कुछ बुक में आई नॉट डिनोट करते हैं, कुछ बुक में आई के नीचे मैक्स लिख देते हैं। तो एक्सटर्नल एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट ऑन द कोर विद द एक्सिस ऑफ फाइबर, ये एक्सिस दिखा रखा है फाइबर का, फॉर विच एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन कोर क्लैडिंग इंटरफेस, कोर क्लैडिंग इंटरफेस कौन सा है ये वाला, इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, इस जगह ये वाला एंगल अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो एक्सटर्नल एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन फिर सुनिए, क्या कहा, हम आई की वैल्यू अगर चेंज करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है थीटा, इसकी वैल्यू चेंज होती है, तो आई की वो मैक्सिमम वैल्यू जहां पर कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल है वो थीटा सी के बराबर हो उस एंगल को हम एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। तो ये डायग्राम बना लीजिएगा और थ्योरी लिख लीजिए, फिर हम एक्सेप्टेंस एंगल का रिलेशन ड्राइव करेंगे। बस इसको यहाँ पे थीटा लिख लीजिए।
यस मैम, हम ठीक है, तो इसको आगे करते हैं। मैंने इनके नेमिंग भी कर दिया है यहाँ पे इस फिगर में। ये हमारा जो इंसिडेंट रे है इसको हमने ए बी से डिनोट किया है, जो रिफ्रैक्टेड रे है उसको बी सी से डिनोट किया है, और जो टी आई आर कर रही है उसको सी से डिनोट किया है। उसके अलावा शुरू में टी आई आर नहीं कर रही, हम ऐसी रे ले लेते हैं जो रिफ्रैक्टेड है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, वो यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो उस केस में यहाँ पे थीटा जो है थीटा सी के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये लाइट ऐसे जाएगी और ये आई जो है आई मैक्सिमम के बराबर होगा। तो इनिशियली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, स्नेल लॉ यूज कर रहे हैं लॉन्चिंग जोन और कोर पे। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम द स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एट पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ द रे, कह लीजिए लॉन्चिंग जोन ए बी इनटू द कोर एन नॉट, क्योंकि लॉन्चिंग जोन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन नॉट। यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है आई इक्वल टू एन वन, ये एंगल है आर साइन आर। यहां से साइन आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो साइन आई हो जाएगा हमारा एन वन अपॉन एन नॉट साइन आर, इक्वेशन वन। अब ट्रेंगल बी सी डी में देखेंगे। ठीक है, बी सी डी में अगर ये थीटा सी से ज्यादा है, थीटा है सपोज, ये हमारा आर है, तो आर और थीटा में क्या रिलेशन होगा इन ट्रेंगल बी सी डी, आर इक्वल टू 90 माइनस थीटा, ये तीनों का जो सम है 180 होगा, तो 180 इक्वल टू आर प्लस थीटा प्लस 90, तो आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। हमें साइन आर की वैल्यू चाहिए, इसलिए हम इसमें दोनों साइड साइन ले लेंगे, तो साइन आर इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन आर इक्वल टू कॉस थीटा, इक्वेशन टू। इक्वेशन वन में इक्वेशन टू से साइन आर की वैल्यू रख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू साइन आई इक्वल टू एन वन अपॉन एन नॉट कॉस थीटा। अब इंसिडेंट एंगल अगर ये मैक्सिमम एंगल हो जाता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस एंगल हो जाता है, तो उस केस में ये वाला जो एंगल है थीटा, ये थीटा सी के बराबर हो जाता है और लाइट ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो व्हेन आई इक्वल टू आई मैक्सिमम लार्जेस्ट वैल्यू, अब उससे ज्यादा आई नहीं बढ़ा सकते, अगर उससे ज्यादा हमने आई बढ़ाया तो लाइट जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तो थीटा इक्वल टू थीटा सी होता है। तो हमने आई मैक्सिमम ले लिया, साइन आई मैक्सिमम इक्वल टू एन वन अपॉन एन नॉट कॉस थीटा सी। अब हमें कॉस थीटा सी की वैल्यू रखनी है, तो क्या करेंगे, लॉन्चिंग जोन यहाँ पे तो स्नेल लॉ लगा चुके, कोर और क्लैडिंग वाले इंटरफेस पे भी लॉन्च जो है स्नेल लॉ यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एन वन साइन थीटा इक्वल टू एन टू साइन, यहाँ पे सपोज मैं कैपिटल, ठीक है, साइन आई मैक्स हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू थीटा सी हो जाएगा, साइन आई मैक्सिमम इक्वल टू एन वन अपॉन एन नॉट कॉस थीटा सी। अब हमें इस कॉस थीटा सी की वैल्यू रखनी है, तो हम क्या करेंगे, स्नेल लॉ यूज करेंगे कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, और अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी मैं साइन आई थीटा सी कैलकुलेट भी करवा के ला चुकी हूँ, जो हमने टी आई आर में किया था एन टू अपॉन एन वन, तो साइन थीटा सी हमें पता है, तो कॉस थीटा सी हम कैलकुलेट कर ही लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, और स्क्वायर हटा दोगे तो इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉस थीटा सी इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी। साइन थीटा सी की वैल्यू रख लीजिएगा यहाँ पे एन टू अपॉन एन वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एन वन, और बाहर आ जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा सी इक्वल टू अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, और एन वन आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट से। इस कॉस थीटा सी की वैल्यू इक्वेशन फोर में रख लेंगे फिर, तो एन वन से एन वन कैंसिल हो जाएगा जब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो साइन आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई हमारे पास, वेयर एन वन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है, एन टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है, एन नॉट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लॉन्चिंग जोन है। नॉर्मली अगर क्वेश्चंस में लॉन्चिंग जोन गिवन नहीं है तो हम एयर कंसीडर करते हैं,
और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन नॉट वन रख लेते हैं, और अगर दिया है क्वेश्चन में मीडियम तो फिर जो मीडियम दिया है उसके अकॉर्डिंग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखते हैं। तो साइन आई मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर अपॉन एन नॉट, तो ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, और एन नॉट क्या लेंगे आप, वन ले लेंगे लॉन्चिंग जोन के लिए, और थोड़ा सा कॉमन सेंस और यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं इसको अंडर रूट एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर लिख लेते हैं। हमें पता है कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है, अगर मैं इसको एन टू स्क्वायर माइनस एन वन स्क्वायर करूंगी तो ये अंडर रूट में निगेटिव टर्म हो जाएगी और इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा देख सकते हैं क्वेश्चन के अंदर भी कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, क्वेश्चन में क्या दिया है। तो एन वन ऑलवेज ग्रेटर देन एन टू, तो साइन आई मैक्सिमम इक्वल टू अंडर रूट एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। कुछ बुक में आई ए से डिनोट कर रखा है तो मैंने वो फॉर्मूला भी लिख रखा है। आई मैक्सिमम और आई ए इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज डिफाइन एज द मैक्सिमम एंगल दैट द लाइट रे कैन हैव टू रिलेटिव टू एन एक्सिस ऑफ फाइबर सो दैट इट मे प्रोपोगेट डाउन द फाइबर। मैक्सिमम एंगल फ्रॉम द फाइबर एट विच लाइट रे मे एंटर द फाइबर सो दैट इट विल प्रोपोगेट इन द कोर बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये मैक्सिमम एंगल है जो फाइबर एक्सिस से बनता है जब लाइट TIR करती है, अगर इससे कम कर देंगे तो फिर लाइट जो है क्लैडिंग से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी। जैसे एक्सेप्टेंस एंगल किया है वैसे ही एक्सेप्टेंस कोण करना है। तो एक्सेप्टेंस कोण क्या है, जो ये हमारी लाइन AB है जो आई मैक्सिमम बना रही है, हमने आई मैक्सिमम को फिक्स करते हुए ऑप्टिक एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया, और जब हम इसको रोटेट करेंगे फिक्स करते हुए इस एक्सिस के चारों तरफ तो एक कोन फॉर्म हो जाएगा। फिर से सुनिए क्या कहा हमने, जो ये एक्सिस है ऑप्टिक एक्सिस, इसके अलोंग AB रे को जो इमेजिनरी है दिखती थोड़ी है, आई मैक्सिमम के फिक्स करते हुए हमने इस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट किया तो ये एक कोनिक सरफेस ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस कोन को हम एक्सेप्टेंस कोन बोलते हैं। एक्सेप्टेंस कोन क्यों बोलते हैं, जो भी लाइट इसके अंदर फनल होगी इस एंगल्स के थ्रू वो लाइट TIR करेगी और आउटपुट में हमें मिल जाएगी। अगर हमने इससे बाहर की साइड से लाइट फनल की, इस कोन से बाहर की साइड फनल में सेंटर कराया, तो आउटपुट में हमें लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम AB रे को रोटेट करते हैं फाइबर एक्सिस अलोंग टू कीप द एंगल कॉन्स्टेंट, तो एक्सेप्टेंस कोन की डेफिनेशन समझते हैं कि एक्सेप्टेंस कोन क्या होता है। आई मैक्सिमम है, आई मैक्सिमम पे ये हमारी लाइट ऐसे ट्रेवल करती है तो आउटपुट पे हमें यहाँ पे लाइट मिली जाएगी। अब इस आई मैक्सिमम को ये जो हमारा ऑप्टिकल फाइबर की एक्सेस है इसके अराउंड ये एंगल फिक्स करते हुए कौन सा एंगल, ये एंगल फिक्स करते हुए हमने रोटेट किया। ठीक है, ये एंगल को रोटेट, ये जो हमारी इमेजिनरी लाइन है AB इसको रोटेट किया ऑप्टिकल फाइबर एक्सिस के अलोंग IA मैक्सिमम फिक्स करते हुए, तो कैसा पार्ट ड्रॉ होगा, कोन बन जाएगा। ठीक है, ये लाइन को हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस एक्सिस के अलोंग तो क्या बनाएगा, कोन बनाएगा। इस कोन को हम एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। एक्सेप्टेंस कोन क्यों कहते हैं, जो भी लाइट इसके थ्रू फनल होगी, फनल मींस एंटर होगी इसके अंदर, वो TIR करते हुए हमें आउटपुट में मिल जाएगी, और जैसे हम इस कोन से बाहर जाएंगे हमने लाइट इस डायरेक्शन में इंसिडेंट की तो क्या होगा, यहाँ पे वाला एंगल थीटा सी से फॉल हो जाएगा और लाइट यहां से क्लैडिंग से बाहर इमर्ज आउट हो जाएगी। तो इसलिए इस कोन को एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। तो क्या करते हैं एक्सेप्टेंस कोन के लिए, जो हम आई मैक्सिमम है इसको रोटेट करते हैं AB, मतलब जो रे है AB
आई मैक्सिमम को फिक्स करते हुए एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं और एक कोन ड्रॉ करते हैं, और इस कोन को हम एक्सेप्टेंस कोन कहते हैं। तो इफ ए बी इज रोटेटेड अराउंड द फाइबर एक्सिस कीपिंग आई ए मैक्सिमम कॉन्स्टेंट, देन इट डिस्क्राइब अ कॉनिक सरफेस। ओनली दोज रेज विच आर फनल्ड इन टू द फाइबर विद इन दिस कोन विल ओनली बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एंड कन्फाइंड विद इन द फाइबर फॉर प्रोपोगेशन, देयर फोर द कोन इज नोन एज एक्सेप्टेंस कोन। और दूसरी डेफिनेशन हम इसकी लिख सकते हैं, कोन विद इन विच ऑल रेज इंसिडेंट विल बी कलेक्टेड एंड प्रोपोगेटेड थ्रू द फाइबर इज नोन एज एक्सेप्टेंस कोन। आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।